का 1 ग्राम। देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन सेम ही है, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। देखो अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन, मतलब सब्सटेंस का आपने 1 ग्राम लिया, 1 ग्राम का आपने हीट दी, ठीक है, और टेम्परेचर में चेंज क्या आई है 1 केल्विन आई है, तो उसको क्या कहेंगे हम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए जो सब्सटेंस का अमाउंट है वो 1 ग्राम लिया जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन, 1 ग्राम सब्सटेंस का और 1 केल्विन, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके बराबर होगी बेटा, वही फॉर्मूला सेम होगा, हीट अपॉन मास इनटू डेल्टा टी, मास आपको इंडिकेट करना पड़ेगा क्योंकि मास तो 1 ग्राम ले रहे हैं तो 1 ग्राम लिखना पड़ेगा आपको, अगर 2 ग्राम लेंगे तो 2 ग्राम लिखना पड़ेगा, 3 ग्राम लेंगे तो 3 ग्राम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जाहिर अमाउंट 1 ग्राम ही है, अगर यहां आपको अमाउंट लिखना है बेटा मास का मतलब यहां आपको अमाउंट लिखना है मगर 1 ग्राम लिखना पड़ेगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, हीट का यूनिट आपको बताइए जूल है और मास का यूनिट क्या है ग्राम है और टेम्परेचर का यूनिट कौन सा है केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर ग्राम पर केल्विन, जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो बेटा स्पेसिफिक हीट के लिए जो अमाउंट हम लेते हैं 1 ग्राम लेते हैं, तो यह है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो यह है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हम आगे आते हैं दूसरे टॉपिक पे, अच्छा वो है मोलर हीट कैपेसिटी। देखो एक था हीट कैपेसिटी, एक था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसमें अमाउंट ग्राम लेते हैं, अब आते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी में अमाउंट का सब्सटेंस का मोल मिलेंगे। देखो बेटा मोलर हीट कैपेसिटी में जो अमाउंट सब्सटेंस का लेते हैं वो किसके अंदर लेते हैं, मोल के अंदर। तो यह अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, देखो ये अमाउंट ऑफ हीट है रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। देखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड चाहिए टू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को रेज करने के लिए ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। तो देखो डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। इसको क्या कहते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। हाँ बेटा तो मोलर हीट कैपेसिटी किसके बराबर होगा, मोलर हीट कैपेसिटी हीट अपॉन मोल इनटू टी, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर के टेम्परेचर में कितनी तब्दीली आई है। हाँ देखो तो हीट का यूनिट कौन सा होगा बेटा, जूल होगा और मोल है इनटू क्या होगा केल्विन, तो इसका यूनिट होगा जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन होगा इसका यूनिट होगा, ठीक है। अब देखो क्वांटिटी हम जो हीट दे रहे हैं वो क्यू है, जो सब्सटेंस को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो क्यू है, और जो टेम्परेचर चेंज हुआ है वो बेटा T1 से T2 हुआ है। टेम्परेचर क्या हुआ था पहले, क्या था T1 से T2, और जो सब्सटेंस के मोल ले रहे हैं वो N है। देखो सब्सटेंस के हमने N मोल लिए, 2 मोल लिए, 3 मोल लिए, 4 मोल लिए, जितने लिए, ठीक है, उसका टेम्परेचर सपोज करते हैं बढ़ाते हैं T1 से T2, अच्छा T1 को कितना है 23 है और 23 टेम्परेचर से हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है 33 या 43, तो उसमें देखेंगे कितना डिफरेंस आया है बेटा T2 माइनस T1, और याद करो डिफरेंस केल्विन का और डिग्री सेंटीग्रेड का बराबर होता है। तो इसमें है कि आप सब्सटेंस को हीट सप्लाई कर रहे हैं बेटा, सब्सटेंस को आप हीट सप्लाई कर रहे हैं और सब्सटेंस के N मोल्स हैं और उनका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं T1 से T2 तक, तो हीट कैपेसिटी किसके बराबर होगी, देखो कि क्वांटिटी ऑफ हीट क्यू, सब्सटेंस को आपने हीट सप्लाई की है जिसकी क्वांटिटी क्यू के बराबर है, ठीक है, और जो मोल्स हैं वो सब्सटेंस के एन हैं बेटा, ये मोल्स हैं इसके,
और टेम्परेचर कितना बढ़ा है T1 से T2 तक। T1 जाहिर टेम्परेचर आपको गिवन होगा, T1 भी गिवन होगा, T2 भी गिवन होगा, ताकि आपको डेल्टा टी निकालना है। डेल्टा टी तब निकलेगा जब T1 और T2 की वैल्यू स्पेसिफाइड होंगी। तो जो हीट कैपेसिटी है सी, बेटा हीट कैपेसिटी को सी से लिखते हैं, ये होगा क्यू अपन एन T2 माइनस T1। एन क्यों लिखा है, ये मोल के लिए है, और T2 माइनस T1 क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। तो ये होगा सी बराबर होगा क्यू अपन एन डेल्टा टी। देखो क्यू हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, एन क्या है बेटा मोल्स हैं, और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो चेंजिंग है। अच्छा, तो हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर भी होता है और हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम भी होता है। जो सिस्टम को हम हीट सप्लाई करते हैं वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे भी होती है और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे भी। अच्छा, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे आप पढ़कर आए हो, जिसको लिखते हैं हम क्यूपी। हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर को हम लिखते हैं क्यूपी, और क्यूपी किसके बराबर होता है, डेल्टा एच के। ये हमने पढ़ा है चैप्टर 5 के अंदर कि क्यूपी बराबर होता है डेल्टा एच के, और क्यूवी बराबर होता है डेल्टा ई के, चेंज इन एनर्जी के। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। हीट चेंज हो रही है किस पे, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, तो है क्यूपी, और क्यूपी बराबर है डेल्टा एच के। क्यूपी किसके बराबर है बेटा, डेल्टा एच के। तो अब देखो इस हीट कैपेसिटी को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। देखो ये है हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सीपी, और दूसरा होता है हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सीवी। तो यह है सीपी, हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो यह है सीपी, देखो सी की जगह सीपी आ जाएगा। सी तो हीट कैपेसिटी है, अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जब हीट कैपेसिटी मेजर करेंगे तो उसको सीपी लिखेंगे, और कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जो हीट दी जाती है उसको लिखते हैं क्यूपी, हीट चेंज, और कोई जवाब होगा एन डेल्टा टी। तो बेटा ये सीपी है, सीपी है हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये फार्मूला वही सेम ही है जो हमने पढ़ा था, फार्मूला वो सेम ही है, इनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं की गई। ये सी का मतलब हीट कैपेसिटी और क्यू का मतलब हीट है। अब जब हीट कैपेसिटी आप मेजर करना चाहते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, तो उसको लिखेंगे हम सीपी, और हीट को लिखेंगे क्यूपी, और क्यूपी किसके बराबर है, डेल्टा एच के बराबर होता है। बेटा क्यूपी किसके बराबर है, डेल्टा एच के। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच अपॉन एन डेल्टा टी लिख सकते हैं आप इस तरह भी, क्योंकि क्यूपी और डेल्टा एच दोनों बराबर हैं। बेटा क्यूपी और डेल्टा एच दोनों इक्वल है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यूपी की जगह डेल्टा एच आ जाएगा अपॉन एन डेल्टा टी। हाँ, अगर आप मालूम करना चाहते हैं डेल्टा एच, तो डेल्टा एच का ये फार्मूला हो जाएगा। तो डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा, एन, एन मोल आएंगे, सीपी डेल्टा टी, इसे भी हो जाएगा। डेल्टा एच किसके बराबर होगा बेटा, डेल्टा एच के लिए आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सीपी के साथ एन डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये दोबारा इधर मैंने लिख दिया था, इसको देखो। तो बेटा ये सीपी वही जो आपको मैंने अभी पढ़ा था कि सीपी किसके बराबर होता है, डेल्टा एच अपॉन एन डेल्टा टी, या डेल्टा एच बराबर हो जाएगा किसके, एन सीपी डेल्टा टी, एन सीपी डेल्टा टी। अगर आपको डेल्टा एच मालूम करना है चेंज इन एंथैल्पी, तो क्या करेंगे, एन का मतलब है मोल्स, आप लेंगे मोल के, मोल कितने हैं, उसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी कितनी है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। अगर आपको डेल्टा एच के प्रॉब्लम भी बेटा कैलकुलेट करने हैं, डेल्टा एच के अगर आपको प्रॉब्लम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको एन की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, एन का मतलब है मोल्स, और सीपी क्या है, हीट कैपेसिटी एट कॉन्सेंट्रेशन, और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। ये सारी चीजें गिवन होंगी आपको, मोल भी गिवन होंगे, अगर मोल नहीं गिवन है तो अमाउंट गिवन होगा, उसी से मोल निकालना बेटा, गिवन मास अपन मोलर मास के तहत मोल निकाल सकते हैं,
और सीपी की वैल्यू आपको गिवन होगी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर आपको गिवन होगा, टेम्परेचर में कितनी तब्दीली आई है, तो आपको डेल्टा एच की वैल्यू मिल जाएगी। अगर डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है तो सीपी मालूम कर सकते हैं, हीट कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं आप लोग बेटा, हीट कैपेसिटी निकल जाएगी, डेल्टा एच को डिवाइड करेंगे किससे, एन डेल्टा टी से, डेल्टा एच की गिवन वैल्यू होगी, डेल्टा एच की वैल्यू गिवन होगी, एन भी गिवन होगा, डेल्टा टी भी गिवन होगा। इसका मतलब है आप सीपी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डेल्टा एच की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बेटा मोलर हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, जिसको हम लिखते हैं सीवी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है बेटा। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जिसको हम लिखते हैं सीवी, एक्चुअली हमने पढ़ा है कि क्यूवी बराबर होता है डेल्टा ई के। देखो दो चीजें आपको याद करनी है, एक है क्यूपी, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। बेटा हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर को हम कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी, तो क्यूपी बराबर होता है डेल्टा एच के। और दूसरा था क्यूवी, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि हीट चेंज जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है वो सारी की सारी डेल्टा में तब्दील हो जाती है। बेटा हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यूवी बराबर होता है डेल्टा के। ये दो चीजें मैंने आपको प्रूव भी करवाई थी, एक था क्यूवी, तो क्यूवी है हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हीट चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होगा, डेल्टा ई के बराबर होता है चेंज इन एंट्रोपी। ये बहुत एमसीक्यूज का क्वेश्चन भी है और पुराने पेपर्स के अंदर ये चीजें आई भी हैं कि हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर है। बेटा हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो क्यूवी है वो डेल्टा ई के बराबर होता है, ठीक है। तो अब क्यूवी किसके बराबर, डेल्टा ई के। तो फॉर्मूला वही सेम जो ऊपर हमने पढ़ा था, ये सीपी है तो यहां पर क्या आ गया, सीवी आ गया, सीपी की जगह पे क्या आ गया, सीवी, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और क्यू डेल्टा एच की जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू वी आ जाएगा, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बेटा देखो दो चीजें चेंज की हमने, देखो एक था उसके अंदर सीपी था, उसकी जगह पे सीवी आ गया, यहाँ पे जो डेल्टा एच था यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू वी आ जाएगा, क्यू वी का मतलब है हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बाकी सेम चीज है, एन डेल्टा टी सेम बाकी सेम है। तो QV किसके बराबर हो जाएगा, ये QV है किसके बराबर हो जाएगा, बेटा ये QV किसके इक्वल होगा, CV into N delta T, CV into delta। अच्छा ये देखो डेल्टा H किसके बराबर है, NCP delta T, CP है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और CV है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फार्मूला दोनों का बिल्कुल देखो बेटा सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो ये QV है, ठीक है, ये बराबर है एन सी वी डेल्टा टी, सी वी है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, और दूसरा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो सी वी इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे और दूसरा हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर पे। अच्छा मेजरमेंट ऑफ द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अब ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। बेटा कोई भी रिएक्शन है उसके आप एंथैल्पी निकालना चाहते हो तो कौन सा तरीका होगा, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो कैलोरीमेट्रिक मेथड देते मालूम करते हैं। बेटा देखो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी अगर मालूम करनी है तो कैलोरीमेट्रिक मेट्रिक मेथड होता है, कैलोरीमेट्री के जरिए हम डेल्टा एच रिएक्शन का मालूम कर सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे भी और कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी। तो देखो मेजरमेंट है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, बेटा एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, उसको मेजरमेंट करने का तरीका कौन सा है, तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहां से मालूम करते हैं, कैलोरीमीटर से, और कैलोरीमीटर एक होता है कांस्टेंट प्रेशर वाला, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। देखो एक में कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं और दूसरे में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरे में कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है बेटा, तो कैलोरीमीटर मेयर, ये कैलोरीमीटर क्या करता है, मेयर करता है हीट ऑफ द रिएक्शन को। देखो बेटा हीट ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, अगर किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी आप मेलूम करना चाहते हैं, हीट मेलूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए कैलोरीमीटर जो होता है वही मेथड अप्लाई किया जाता है, कैलोरीमीटर जिसको कहते हैं। तो कैलोरीमीटर मेयर द हीट ऑफ हीट रिलीज्ड
ड्यूरिंग डायरेक्शन, जो हीट रिलीज होती है ड्यूरिंग डायरेक्शन उसको मेयर करता है, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और दूसरा होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम भी। एक कॉन्स्टेंट, एक में कॉन्स्टेंट प्रेशर रखते हैं और दूसरे में क्या करते हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो पहले आते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, बेटा यहां पे प्रेशर कॉन्स्टेंट रखेंगे, ठीक है, और वर्क भी होगा। तो इन कॉन्स्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर, प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज फिक्स, जो सिस्टम का प्रेशर होगा वो फिक्स होगा। बेटा सिस्टम का प्रेशर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, उस प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, मगर वर्क भी होगा इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो जो हीट रिलीज होगी बेटा, जो हीट रिलीज होगी कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर में, जो हीट रिलीज होती है वो बराबर होती है एम सी डेल्टा टी। एम सी, एम का मतलब है मास, सी का मतलब है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो बेटा क्यू किसके बराबर होगा, एम का मतलब है मास कितना ले रहे हो आप लोग, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, और डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर कितना है। देखो जो हीट रिलीज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास के, बेटा मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब मास को देखेंगे हम। और सी का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखेंगे, जो जूल पर ग्राम पर केल्विन होती है, और डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर कितना है। तो देखो एम मास ऑफ द रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट का मास कि कितना रिएक्टेंट का मास है, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो आपको मैंने अभी पढ़ाया था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम अब्सॉर्प्शन बाय 1 केल्विन। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसका यूनिट होता है जूल पर ग्राम पर केल्विन, और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। तो ये है कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमेट्री, कांस्टेंट प्रेशर पे हम हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम को, अच्छा सिस्टम हीट जो रिलीज करता है कांस्टेंट प्रेशर पे। अच्छा दूसरा है कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमेट्री या बॉम्ब कैलोरीमेट्री, ठीक है बेटा। देखो कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फिक्स होता है इसमें, बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम से मुराद ये है कि वॉल्यूम इसके अंदर आपको फिक्स रखना पड़ेगा, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग होगी नहीं, वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, फिक्स वॉल्यूम होगा, पिस्टन फिक्स होगा की जगह पे। बॉम्ब कैलोरीमीटर भी कहते हैं इसको। कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमेट्री इज यूज्ड टू डिटरमाइन एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ फूड, जो फूड की कंबशन होती है। अब देखो फूड की जो कंबशन होती है उसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मेजर करते हैं, फूड की, फ्यूल की, जो फूड होता है, फ्यूल होता है, उसकी जो कंबशन होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसी के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर या बॉम्ब कैलोरीमीटर को यूज किया जाता है। तो हीट रिलीज जो होगी, जो सिस्टम की हीट रिलीज करता है वो किसके बराबर होगा बेटा, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर। देखो हीट रिलीज, जो हीट रिलीज होगी, जो हीट रिलीज होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, डेल्टा टी, डेल्टा टी से मुराद है चेंज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर में चेंजिंग आएगी, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर, जो टोटल हीट कैपेसिटी है कैलोरीमीटर की उसी से इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मिलेगा आपको जो हीट रिलीज होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और यह है कांस्टेंट प्रेशर क्यू बराबर होता है एम सी डेल्टा टी। एम का मतलब है मास, सी से मुराद है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी से मुराद है चेंज इन टेम्परेचर। तो आज हमने जो पढ़ा था बेटा टॉपिक वो था हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी के अंदर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाता है, मोलर हीट कैपेसिटी आ जाता है, सीपी आ जाता है, सीबी आ जाता है, उनको मेयरमेंट करने का तरीका आ जाता है कि उनको किस तरह हम मेयर करेंगे, ठीक है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे, दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। अब उसके बाद जो टॉपिक है हमारे अच्छा उसके बाद जो बेटा टॉपिक है वो है हेस लॉ, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समिशन। देखो बेटा हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समिशन, तो ये जो हेस लॉ कहता है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, जो एंथैल्पी होती है रिएक्शन की या हीट वॉल और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो वे पे डिपेंड नहीं करती, वो मेथड पे डिपेंड नहीं करती, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल फाइनल,
ये डिपेंड करते हैं इनिशियल फाइनल पे। देखो ये कह रहा है कि रिएक्शन चाहे एक स्टेप के अंदर हो, रिएक्शन चाहे एक स्टेप के अंदर हो, वन स्टेप के अंदर हो, सिंगल स्टेप के अंदर हो या सेवरल स्टेप्स के अंदर हो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी सेम। ये कहता है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विल बी सेम वेदर रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और सेवरल स्टेप्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब एक रिएक्शन डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है, और दूसरा इनडायरेक्ट वे में हो रहा है। चाहे रिएक्शन डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे एक स्टेप के अंदर हो चाहे एक से ज्यादा स्टेप के अंदर हो, टोटल एंथैल्पी चेंज विल बी सेम। ये कहता है टोटल एंथैल्पी चेंज विल बी सेम वेदर रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और सेवरल स्टेप्स। इस लॉ को हम क्या कहते हैं बेटा, हेस लॉ कहते हैं। और हेस लॉ कहता है कि एंथैल्पी जो रिएक्शन की है वो स्टेट फंक्शन है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, वो वे पे डिपेंड नहीं करेगी, वो मेथड पे डिपेंड नहीं करेगी। चेंज किसी तरीके से लाएं, चाहे डायरेक्ट वाले तरीके से हो चाहे इनडायरेक्ट तरीके से हो, चाहे एक स्टेप के अंदर हो या ज्यादा स्टेप के अंदर हो, एंथैल्पी ऑफ डायरेक्शन विल बी सेम। तो इसका मतलब है एंथैल्पी जो है वो इंटरमीडिएट स्टेप पे डिपेंड नहीं करेगी, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है। तो ये बेटा अहम चीज, अहम ला है जो हेस ला है, जो कहता है हीट को आप सम कर सकते हैं, हीट को आप ऐड कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन की। डायरेक्ट एंथैल्पी जिसकी मालूम नहीं हो सकती उसके आप इनडायरेक्ट एंथैल्पी निकाल सकते हैं, वो सेम जवाब आएगा। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसके डायरेक्ट एंथैल्पी नहीं मालूम हो सकती। कार्बन क्लोरीन का रिएक्शन होता ही नहीं, पढ़ा है आप लोगों ने कि कार्बन और क्लोरीन का रिएक्शन डायरेक्ट होता ही नहीं। जब कार्बन क्लोरीन का रिएक्शन होगा तो CCl4 बनेगा भी नहीं डायरेक्ट, वो बनेगा इनडायरेक्ट बनेगा बेटा। CCl4 इनडायरेक्ट बनता है तो इनडायरेक्ट उसकी एंथैल्पी निकाल सकते हैं। इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, अच्छा वो रिएक्शन भी ऐसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जाए तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बनता है जो उसकी फर्दर ऑक्सीड को रोक है, फिर होती नहीं। एयर का प्रोटेक्टिव लेयर बनता है जो उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से रोक लेता है। इसका मतलब है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के भी डायरेक्ट एंथैल्पी आप मेजर कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे हम, उसकी जाहिर बात है हमें इनडायरेक्ट एंथैल्पी निकालनी पड़ेगी। तो ऐसे रिएक्शंस बेटा, ऐसे जिनकी आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट एंथैल्पी नहीं निकाल सकते उनकी आप इनडायरेक्ट एंथैल्पी निकाल सकते हो, और वो ही जवाब सेम आएगा जितना डायरेक्ट का होता है, ठीक है। तो कुछ तो ऐसे रिएक्शंस हैं जो डायरेक्ट भी होते हैं इनडायरेक्ट भी हो जाते हैं, दोनों तरीके से होते हैं। जब दोनों की हम एंथैल्पी को मेजर करते हैं तो बिल्कुल आंसर सेम आता है। सब कहते हैं सोडियम कार्बोनेट है वो डायरेक्ट बना दें सोडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से वन स्टेप के अंदर, या इनडायरेक्ट बनाएं पहले सोडियम बाइकार्बोनेट बना लें, सोडियम बाइकार्बोनेट के बाद सोडियम कार्बोनेट बना लें तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विल बी सेम। अच्छा कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, बेटा कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, अच्छा फिर क्या करें, कार्बन से कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए, कार्बन मोनोऑक्साइड से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, मगर टोटल एंथैल्पी चेंज सेम होगी। अच्छा जैसे सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड डायरेक्ट बनता है, बेटा सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। दूसरे तरीके से क्या होगा, सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, मगर टोटल एंथैल्पी चेंज विल बी सेम। इसका मतलब है कंपाउंड चाहे डायरेक्ट बनाए चाहे इनडायरेक्ट बनाए, चाहे सिंगल स्टेप में बनाए चाहे सेवरल स्टेप में बनाए, एंथैल्पी रिएक्शन विल बी सेम, क्योंकि एंथैल्पी जो रिएक्शन की है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो वे पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पे। तो जो हेसला कहता है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विल बी सेम, ये कहता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी सेम वेदर ठीक है रिएक्शन टेक प्लेस
ठीक है, इवेपोरेशन टेक प्लेस इन वन स्टेप और सेवरल स्टेप्स। आर सेवरल स्टेप्स ये कहते हैं चाहे रिएक्शन एक स्टेप के अंदर हो या सेवरल स्टेप्स के अंदर हो, ज्यादा स्टेप्स के अंदर हो, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विल बी सेम, क्योंकि एंथैल्पी जो रिएक्शन की है वो बेटा स्टेट फंक्शन है, वो इनिशियल और फाइनल डिपेंड करती है, वे पे डिपेंड नहीं करती, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, मेथड पे डिपेंड नहीं करती, किसी भी तरीके से चेंज ना आए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी सेम। ठीक है, अब देखो ए इसी से डायरेक्ट डी बन रहा है, देखो बेटा ए से डायरेक्ट डी बना। अच्छा, और अब रिएक्शन जो इसकी है, ठीक है, एंथैल्पी रिएक्शन वो है -150 किलो जूल। ऐसे सपोज करते हैं ये कोई रिएक्शन नहीं है बेटा, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है कि भाई ए से डायरेक्ट हमने डी बना दिया, ए से डायरेक्ट डी बनाया और जिसकी एंथैल्पी हमने हाइपोथेटिकल वैल्यू रखी है 150 है। ठीक है, अब वही सेम रिएक्शन ए से बी, बी से सी और सी से फाइनली डी बन रहा है, ये स्टेप वाइज है, वो डायरेक्ट हुआ था ए से डायरेक्ट डी बनाया, अब ये हमने स्टेप वाइज बना रहे हैं ए से बी, बी से सी, सी से डी बना रहे हैं। तो स्टेप वन की एंथैल्पी बेटा, स्टेप वन जो है उसकी एंथैल्पी है सपोज करते हैं -60 किलो जूल पर मोल, 60 किलो जूल, और जो डेल्टा टू है बी से सी की एंथैल्पी वो सपोज करते हैं -55 है किलो जूल, -55, और जो बी से सी से डी है बेटा थर्ड स्टेप जो सी से डी बन रहा है, ठीक है, अब उसकी जो एंथैल्पी होगी वो होगी -35 किलो जूल। अगर इनको आप सम करेंगे तो आंसर 150 आ जाएगा बेटा, इसको सम करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 150। ठीक है, तो इसका मतलब है ए से डायरेक्ट डी बनाओ, डायरेक्ट तरीके से बनाओ, या ए से बी, बी से सी, सी से डी, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विल बी सेम, जो एंथैल्पी रिएक्शन का है वो क्या होगा बेटा सेम। ठीक है, अगर वापस डी से आप ए बनाओगे, अब देखो ए से डी बना रहे हैं, ए से डी की एंथैल्पी कितनी है -150 है, तो डी से वापस ए की एंथैल्पी क्या होगी, प्लस की हो जाएगी बेटा। ये देखो, अब देखो ए से डी की एंथैल्पी है -150, तो डी से ए की एंथैल्पी कितनी होगी, ये इसका रिवर्स प्रोसेस है, ये इसका क्या है बेटा रिवर्स प्रोसेस है कि डी से वापस ए, तो इसकी एंथैल्पी हो जाएगी प्लस की 150 किलो जूल। अब देखो ए से बी की एंथैल्पी है -60, बी से ए की एंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा, बी से ए की एंथैल्पी हो जाएगी 60, क्योंकि रिवर्स जाएंगे हम, रिवर्स जाएंगे हम। ठीक है, तो जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसका एंथैल्पी प्लस की हो जाती है बेटा, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसका बैकवर्ड क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, उसकी वैल्यू प्लस की है। तो ए से डी की एंथैल्पी माइनस की 150 है, तो डी से ए की एंथैल्पी क्या होगी बेटा, डी से ए जो बनेगा उसकी वैल्यू प्लस की। अब ए से -60 तो उसकी क्या होगी, बी से ए इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगी। अच्छा, इस तरह सी से जो बी से सी, जो बेटा बी से सी बनेगा उसकी वैल्यू क्या है, -55 है। अगर सी से हम बी बनाए तो उसकी एंथैल्पी क्या होगी, प्लस की हो जाएगी 55। अच्छा, इस तरह सी से डी की एंथैल्पी है माइनस, बेटा सी से डी, अगर डी से वापस सी बनाए हम तो क्या हो जाएगा, प्लस का 35। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बेटा साइक्लिक ही क्या होगी, साइक्लिक की क्या होगी, एंथैल्पी चेंज जीरो होगी बेटा, जो साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो ए से डी और डी से वापस ए,
ठीक है, जो साइक्लिक प्रोसेस इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी बेटा माइनस की है, उसकी क्या है, प्लस की है, तो आंसर ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एंथैल्पी चेंज होती है साइक्लिक प्रोसेस की, जीरो के बराबर होती है। अच्छा अब आते हैं दूसरी एग्जाम्पल पे बेटा, सेकंड एग्जाम्पल पे। सेकंड है सोडियम कार्बोनेट हम बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, -90 है किलो जूल, बन गया सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और प्लस में वाटर बनेगा, H2 बनेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एंथैल्पी बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने 2 मोल लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का, 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 मोल सोडियम कार्बोनेट और वाटर बन गया, और एंथैल्पी चेंज है -90। बेटा एंथैल्पी चेंज क्या है, -90 है। हाँ अब हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल लेते हैं, और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी 1 मोल लेते हैं। बेटा देखो ऊपर वाले रिएक्शन में हमने कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के हमने 2 मोल लिए, सोडियम कार्बोनेट बना और वाटर बना है, सोडियम कार्बोनेट और वाटर बना है, और उसकी एंथैल्पी चेंज है -90। ये है डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल NaOH का 1 मोल लिया, और बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। बेटा सोडियम कार्बोनेट इसका जो पहला स्टेप है उसकी एंथैल्पी है -49 किलो जूल, -49। और जो दूसरा स्टेप होगा जिसमें NaOH का दूसरा मोल ले रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को NaOH के दूसरे मोल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट को NaOH के दूसरे मोल के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जो सेकंड स्टेप की एंथैल्पी है स्टेप टू की वो है -41 किलो जूल। अब इनको सम करेंगे बेटा, इनको सम कर दें, -49 -41 जवाब हो जाएगा -90। तो डायरेक्ट की भी एंथैल्पी हुई है -90, इनडायरेक्ट की भी होगी। अब डायरेक्ट में क्या हुआ कि NaOH के 2 मोल लिए डायरेक्टली हमने, और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल लिया, सोडियम कार्बोनेट बनाया और वाटर बनाया, सोडियम कार्बोनेट बना है और वाटर बना है, जबकि दूसरे रिएक्शन में क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल लिया और NaOH का भी हमने 1 मोल लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल, NaOH का भी 1 मोल लिया हमने, बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बना, सोडियम बाइकार्बोनेट को NaOH के साथ हमने रिएक्शन करवाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया दूसरे मोल के साथ, तो दूसरे स्टेप की एंथैल्पी है -41, और दोनों को हमने ऐड किया तो जवाब आ गया 90। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम कार्बोनेट चाहे डायरेक्ट बनाओ चाहे इनडायरेक्ट बनाओ, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी सेम। बेटा एंथैल्पी रिएक्शन की क्या होगी, सेम होगी। तो ये सोडियम कार्बोनेट की तो एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है। मीथेन की आप एंथैल्पी निकाल सकते हो इनडायरेक्टली, ठीक है, इथेन की निकाल सकते हो, बेंजीन की निकाल सकते हो हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, ऐसे ग्लूकोज की निकाल सकते हो, सक्रोज की निकाल सकते हैं, बेटा किसी भी कंपाउंड की आप हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम कर सकते हो इनडायरेक्टली, ठीक है, और डायरेक्ट की भी वही वैल्यू होगी जो इनडायरेक्टली निकलेगी, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टेप पे डिपेंड नहीं करती है बेटा, वे पे डिपेंड नहीं करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, पाथ से इंडिपेंडेंट, ये बात नोट कर दें कि एंथैल्पी जो है वो पाथ से इंडिपेंडेंट है, वे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, चाहे जो कंपाउंड आप एक स्टेप के अंदर बना रहे हो और वही सेम कंपाउंड आप सेवरल स्टेप्स के अंदर बना रहे हो, सेम होगा। एक और एग्जांपल भी है इसके अंदर, अच्छा वो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और एंथैल्पी कितनी है फेडर की बुक के मुताबिक -393.5 किलो जूल, ये बेटा वैल्यू है इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन की, कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू है आपके पास बुक में होगी ये वैल्यू,
ठीक है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड हीट ऑफ फॉर्मेशन ये एग्जांपल में भी गिवन है आपको। इसके अंदर जो एग्जांपल है 11.5 के एग्जांपल में गिवन है, 393.5। अच्छा अब इसको स्टेप वाइज बना दें, इसको बनाएंगे दो स्टेप्स के अंदर। ये डायरेक्ट है ऊपर वाला, ये बेटा डायरेक्ट और ये स्टेप वाइज। किस स्टेप वाइज बनेगा? कार्बन प्लस हाफ मोल ऑक्सीजन का बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। बेटा कार्बन प्लस ऑक्सीजन का हाफ मोल, ऑक्सीजन का हाफ मोल बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एंथैल्पी फॉर्मेशन की है वो है 110.52 किलोजूल। याद कर लो ये इसकी वैल्यू है कितनी बेटा, 110.52 किलोजूल कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड आगे रिएक्ट करता है किसके साथ? एक और हाफ मोल के साथ, और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वो रिएक्ट करती है किसके साथ? हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ, और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। स्टेप वाइज बना रहे हैं, पहले हमने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया जिसमें ऑक्सीजन का हाफ मोल यूज हुआ गैस का, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गई। अब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, और जो सेकंड स्टेप की एंथैल्पी है बेटा, सेकंड स्टेप की एंथैल्पी है 282, माइनस का 282, माइनस ऊपर लगा दिया मैंने, 282.98। अब ऐड कर दो इन दोनों को, अब क्या करोगे आप लोग, अब इनको सम कर दो, इनको ऐड कर दो बेटा, इनको आप ऐड कर दो क्योंकि एंथैल्पी को आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने में क्या होगा, ये इसमें कैंसिल हो जाएगा, ये बेटा कट जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में कैंसिल हो जाएगा, और बाकी बचेगा क्या, कार्बन और हाफ मोल, और हाफ मोल ये O2 हो जाएगा बेटा, एक हाफ मोल है, इसका भी हाफ मोल क्या हो जाएगा, पूरा मोल हो जाएगा ऑक्सीजन का। देखो आधा मोल ये है आधा ये है, तो पूरा मोल होगा ऑक्सीजन गैस का, तो कार्बन सॉलिड और ऑक्सीजन गैस बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, -393.5 किलोजूल। बेटा सम करोगे जवाब ये आ जाएगा, देखो ये जवाब आ जाएगा। तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड चाहे डायरेक्ट बनाओ चाहे स्टेप वाइज बना दो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी सेम। बेटा एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विल बी सेम, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्ट बने चाहे इनडायरेक्ट बन जाए। अब देखो ये है, इसको देखो एक और रिएक्शन भी है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन बन जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। बेटा सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं, सल्फर ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसको मैं लिखूंगा यहां पे 3/2 O2, तो सल्फर SO3 बन गया, सल्फर सॉलिड प्लस गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई, और डेल्टा एच की वैल्यू इसकी है -1। ठीक है अब हम क्या करते हैं बेटा, ये स्टेप वन है, अब स्टेप टू में क्या करते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन बल्कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, -y किलोजूल है। अच्छा ये डायरेक्ट है बेटा, ये डायरेक्ट है, और ये बाकी दोनों इनडायरेक्ट हैं कि सल्फर ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड,
और फिर सल्फर डाइऑक्साइड जो है हाफ मोल के साथ मिलकर सल्फर प्लस ऑक्सीजन ये बन गया सल्फर डाइऑक्साइड गैस और डेल्टा एच की वैल्यू है माइनस वाई किलो जूल। अच्छा दूसरे में है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाफ मोल ऑक्सीजन का सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा और डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो लिखी थी हमने माइनस जेड किलो जूल। अब हमने क्या करना है इसको ऐड करना है। बेटा ऐड करोगे तो वही ऊपर वाली क्वेश्चन मिल जाएगी हमें, सल्फर डाइऑक्साइड में कैंसिल हो जाएगा, सल्फर ये एक मोल और ये आधा मोल, बेटा एक है वन और दूसरा है वन अपॉन टू, एलसीएम निकालोगे तो थ्री अपॉन टू हो जाएगा, एलसीएम इसका थ्री अपॉन टू हो जाता है। आप कैलकुलेट करके देखो इसका जो एलसीएम निकलेगा वो थ्री अपॉन टू निकलेगा, क्यों आपको बता देता हूं आपको मैं, बेटा यहां पे टू आएगा और यहां पे वन है इसका, ए का दो को दो बार लगेगा इधर दो आएगा, दो का दो को एक बार लगेगा इधर एक आएगा, थ्री अपॉन टू हो जाएगा, थ्री अपॉन टू हो जाएगा ये ओ टू एरो एसओ थ्री, और एसओ थ्री की जो इनडायरेक्ट एंथैल्पी होगी वो किसके बराबर होगी माइनस वाई माइनस जेड किलो जूल। ठीक है ये इनडायरेक्ट एंथैल्पी है और इसकी जो वैल्यू होगी माइनस एक्स के बराबर होगी, बेटा माइनस एक्स के ये वैल्यू किसके बराबर होगी, इनको सम करेंगे तो ये माइनस एक्स के बराबर हो जाएगी, क्यों माइनस एक्स के बराबर क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसकी जो डायरेक्ट एंथैल्पी है वो माइनस एक्स है बेटा, सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो डायरेक्ट एंथैल्पी है वो माइनस एक्स है, माइनस एक्स है और जो इनडायरेक्ट एंथैल्पी हमने निकाली है वो क्या है माइनस एक्स माइनस वाई, इसका मतलब है इन दोनों को सम करेंगे ना माइनस वाई और माइनस जेड को सम करेंगे तो वो माइनस एक्स के बराबर होगा किलो जूल के, इक्वल होगा बेटा ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, तो ये मैं बराबर की निशानी लगा देता हूं इधर, यहां पे मैं बराबर की निशानी लगा देता हूं, ये बराबर होगी एक्स किलो जूल की, बराबर हो जाएगी बेटा इक्वल होगी माइनस एक्स, क्योंकि माइनस एक्स डायरेक्ट की एंथैल्पी है और माइनस वाई और माइनस जेड इनडायरेक्ट की एंथैल्पी है, इन दोनों को हमने सम करना है तो इसका आंसर एक्स के बराबर हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है चाहे रिएक्शन एक स्टेप के अंदर हो या एक से ज्यादा स्टेप के अंदर हो, सिंगल स्टेप के अंदर हो या सेवल स्टेप के अंदर हो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी सेम। तो यहां पे बेटा एक मैं आपको पढ़ा देता हूं उधर से ही बुक में, एंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन, बुक में है ये कि एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, क्योंकि ये तो हम पहले ही पढ़कर आए हैं कि एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है जो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पे, वे पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। एंथैल्पी चेंज इन द केमिकलेशन इज गोइंग फ्रॉम सम इनिशियल टू द सम फाइनल स्टेट इंडिपेंड ऑफ द पाथ, क्या मतलब है ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, पाथ पे वे पे मेथड पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है द चेंज इन एंथैल्पी इज सेम, एंथैल्पी में जो चेंजिंग आएगी वो सेम होगी, वेदर रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और सेवरल स्टेप्स, चाहे रिएक्शन एक स्टेप के अंदर हो या एक से ज्यादा स्टेप्स के अंदर हो एंथैल्पी चेंज विल बी सेम। ठीक है तो उसके बाद जीएच हेस ने 1840 के अंदर ये ला दिया था जिसको क्या कहते हैं हम हेस ला कहते हैं, कहते हैं एंथैल्पी चेंज इन द केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और सेवरल स्टेप्स, या मैथमेटिकली जो डेल्टा एच साइक्लिक होती है बेटा, जो डेल्टा एच साइक्लिक है वो जीरो के बराबर होगी बेटा, जो सम होगा डेल्टा एच साइक्लिक का वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होता है क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस की।
साइक्लिक जो डेल्टा एच है वो जीरो होती है। अच्छा अब इसके अंदर वो एग्जांपल दी गई है कि भाई ए से डायरेक्ट हम डी बनाएं या ए से बी, बी से सी, सी से डी बनाएं, एंथैल्पी रिएक्शन विल बी सेम। अच्छा उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दी गई है। अच्छा उसके बाद और बताया गया है कि ये क्यों जरूरी है, हेस्रा किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेटा हेस्रा उन रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है जिनमें हम डायरेक्ट की एंथैल्पी मेजर नहीं कर सकते हैं, जैसे सीसीएल फोर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन और क्लोरीन डायरेक्टली रिएक्ट करते ही नहीं बेटा, कार्बन डायरेक्टली क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करता, और आपको पता क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ भी डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करती है। तो इन रिएक्शन का मतलब इनके डायरेक्ट की एंथैल्पी तो निकलेगी नहीं, इन रिएक्शन की डायरेक्ट एंथैल्पी नहीं निकलेगी, फिर हम क्या करेंगे इनडायरेक्ट की एंथैल्पी निकालेंगे, सीसीएल फोर की भी इनडायरेक्टली, एल टू ओ थ्री की भी इनडायरेक्टली, और बी टू ओ थ्री बोरोन ऑक्साइड उनकी भी डायरेक्टली एंथैल्पी हम नहीं निकाल सकते, मगर हम निकालेंगे उनकी इनडायरेक्टली एंथैल्पी, और इनडायरेक्टली एंथैल्पी वही होगी जो डायरेक्ट की एंथैल्पी है। तो इसका मतलब है ऐसी रिएक्शन जिनकी डायरेक्ट एंथैल्पी मेजरमेंट इम्पॉसिबल है उनकी हम इनडायरेक्टली एंथैल्पी रिएक्शन वैल्यू करेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू करेंगे, हीट ऑफ कंबशन वैल्यू करेंगे, हीट ऑफ ट्रांजिशन वैल्यू करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जिनकी हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन ये मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एग्जांपल दी गई है मीथेन की बेटा, उसके बाद है हीट ऑफ फॉर्मेशन। अगर सपोज करते हैं मीथेन के आप हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो निकल जाएगी इनडायरेक्टली, देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा एक तो डायरेक्टली हम हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालते हैं एलिमेंट से, कार्बन सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस बन गया मीथेन गैस, कार्बन सॉलिड है ये और हाइड्रोजन गैस है और मिलकर क्या बनाते हैं मीथेन गैस बनाते हैं, और मीथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी है बेटा, मीथेन की हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी है, मगर ये तो क्या हो गया डायरेक्ट मेथड हो गया, ठीक है। इनडायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इनडायरेक्टली आपको कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन होगी, वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन होगी, और मीथेन की हीट ऑफ कंबशन गिवन होगी, तब भी आप निकालेंगे बेटा। देखो ये तो हो गया डायरेक्ट, ये डायरेक्ट मीथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन है, और ये मालूम नहीं हो सकती। सपोज करते हैं अगर इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, डायरेक्ट कार्बन और हाइड्रोजन का रिएक्शन नहीं करवा सकते हम, इनकी डायरेक्ट एंथैल्पी नहीं मालूम कर सकते, तो हम क्या करेंगे इनकी इनडायरेक्टली हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालेंगे, इनडायरेक्टली कहां से, ठीक है। ये क्वेश्चन वन हो गई, ये क्वेश्चन टू हो गई, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसकी वैल्यू 393.5 किलो जूल, ठीक है, ये बेटा वैल्यू इसकी। नंबर तीसरी इक्वेशन है हाइड्रोजन प्लस हाफ मोल ऑक्सीजन गैस का मिलकर बना रहे वाटर, वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन होगी। तो बेटा किसी भी कंपाउंड की, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू करनी तो दो चीजें आपको गिवन होंगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन जरूरी है और वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये कंपल्सरी है दोनों, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करने के लिए जो हाइड्रोकार्बन हैं, या इसके अलावा हाइड्रोकार्बन के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी है, तो उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड हीट ऑफ फॉर्मेशन और वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन जरूर गिवन होंगे आपको, ठीक है। वाटर लिक्विड है और डेल्टा एच की वैल्यू इसकी है -285.8 है शायद, क्योंकि वैल्यूज आपको बताया कि चेंज है बेटा इसके अंदर 285.5, जो सिंध के सिलेबस में इसकी वैल्यू 286 लिखी हुई है, सिंध के सिलेबस की वैल्यू इसके अंदर 286 है, मगर फेडरल के अंदर इसकी वैल्यू 285.5 है, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन होंगी, चौथी क्वेश्चन जो है जो इसके लिए गिवन होगी वो होगी हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ मीथेन। तो बेटा किसी भी कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू करेंगे,
उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन होगी, वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन होगी, और जिस कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम कर रहे हैं उसकी हीट ऑफ कंबशन गिवन होगी। जिस कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम कर रहे हैं उसकी हीट ऑफ कंबशन, सपोज करते हैं मीथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम कर रहे हैं तो मीथेन की हीट ऑफ कंबशन गिवन होगी CH4 मीथेन प्लस 2O2 एरो CO2 प्लस 2H2, ये हीट ऑफ कंबशन है बेटा, हीट ऑफ कंबशन है ये, माइनस एट नाइन जीरो पॉइंट फोर किलो जूल, ये हीट ऑफ कंबशन है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है बेटा, करना क्या है हमने, देखो सी का क्वेश्चन वन है, देखो कार्बन जो क्वेश्चन जिसकी आप हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करें इसका क्वेश्चन को देखो बेटा, सी कार्बन का क्वेश्चन वन है तो कार्बन डाइऑक्साइड को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, वन से, क्योंकि सी का क्वेश्चन वन है, और हाइड्रोजन का क्वेश्चन टू है, हाइड्रोजन का क्वेश्चन क्या है बेटा टू है, तो वाटर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन को, और फिर एड करेंगे दोनों को, देखो कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन को वन से मल्टीप्लाई करो, कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन को वन से मल्टीप्लाई करो, और वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन को टू से मल्टीप्लाई करो, उनको ऐड कर दो, ऐड करने के बाद कंबशन इक्वेशन आपको माइनस करनी पड़ेगी, बस जो हीट ऑफ कंबशन की इक्वेशन है वो आपको माइनस करनी पड़ेगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बेटा, इसको वन से मल्टीप्लाई करो इसको टू से, तो ये होगा मल्टीप्लाई इक्वेशन टू बाय वन एंड इक्वेशन थ्री बाय टू। अच्छा इक्वेशन टू कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली है, क्योंकि मीथेन में कार्बन एक है, मीथेन में कार्बन का एक एटम है तो कार्बन डाइऑक्साइड को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा तो हो जाएगा सी प्लस ओ टू एरो CO2, और डेल्टा इसकी वैल्यू वही होगी माइनस 393.5 किलो जूल बेटा, सेम होगी क्वेश्चन, और वाटर की क्वेश्चन को टू से मल्टीप्लाई करना है, जो क्वेश्चन सेकंड है वाटर वाली और थर्ड इसको टू से मल्टीप्लाई करना है बेटा, इसी क्वेश्चन को टू से मल्टीप्लाई करें क्योंकि इसके अंदर टू क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का क्वेश्चन टू है इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे हम, अच्छा टू एच टू प्लस ओ टू एरो टू एच टू, डेल्टा इसकी वैल्यू क्या है 285 बेटा, 285.5 को टू से हमने मल्टीप्लाई करना है तो जवाब होगा 571.6, जो इसके अंदर लिखी हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, इसके अंदर टू से मल्टीप्लाई करके इसके बाद 571 लिखा हुआ है पॉइंट सिक्स, 571.6 ठीक है, टू से मल्टीप्लाई करने के बाद, अच्छा अब इनको ऐड कर दो, देन ऐड अब आपको क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करने से क्या हो जाएगा C प्लस टू एच टू प्लस टू ओ टू एरो CO2 प्लस टू एच टू, और इनको क्या करना है हमने सम करना है, इनको हमने ऐड करना है, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव की है ठीक है, इनको बेटा ऐड करना है हमने, अच्छा अब देखो इसका आंसर क्या आता है ऐड करने का, अगर इनको हम सम करेंगे तो इसका आंसर आएगा, वैसे एक्चुअली 285.5 था बुक में, टू से मल्टीप्लाई करने से ये सिक्स तो आएगा भी नहीं बेटा, देखो 285.5 था ना इसकी वैल्यू जो उन्होंने दी थी, 285.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो उन्होंने बुक में दिया गया आंसर 571.6, तो ये 0.6 तो आएगा भी नहीं ठीक है, ये 571 हो जाएगा ओनली,
0.6 तब आएगा जब यहां 8 हो बेटा, 0.6 तब आएगा जब यहां पे 8 हो, तो आ सकता है यहां पे अगर 8 लिखेंगे तब आ सकता है ये, देखो 285.8 लिखोगे ना तब 6 आएगा, शायद वैल्यू यही थी, इन्होंने गलती से ये लिखी है। यहां पे बेटा 8 दोगे ना तब जब आएगा 571.6 आएगा। तो एक्चुअली वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन 285.8 है, 2 से मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर ये आता है 571.6। अब दोनों को आप ऐड कर दो, 393.5 और दूसरा है 571.6, तो बेटा इसका आंसर आएगा 11 आएगा, 11 का एक ऊपर जाएगा ये 5 हो जाएगा, ठीक है, और 9 और 7 जो हैं ये हो जाएंगे 16, 16 का एक ऊपर जाएगा और ये इसका आंसर आएगा 9, तो 965.1 आ जा रहा है इसका आंसर बेटा, 965.1 किलो जूल। अब हम क्या करेंगे, अच्छा अब कंबशन की इक्वेशन माइनस करनी है, अब क्या करना है, कंबशन की इक्वेशन माइनस करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर निकालना है, आंसर निकालने के बाद जो कंबशन की इक्वेशन है वो आपको माइनस करनी है। अब ये बेटा इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 और ये इक्वेशन 5 बन गई, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5, तो इस 5 इक्वेशन में से 4 माइनस करनी है, तो बेटा ये सी लिखो, सॉलिड प्लस 2H2 प्लस O2 2O2 एरो CO2 प्लस 2H2, और डेल्टा इसकी वैल्यू कितनी है, बेटा 965.1 किलो जूल। अब इसमें से ये कंबशन की इक्वेशन माइनस करोगे तो CH4 प्लस 2O2 एरो CO2 प्लस 2H2O और डेल्टा की वैल्यू कितनी है, -890.4 किलो जूल। अब ये माइनस करोगे तो इधर साइन माइनस की हो जाएगी, यहां पे माइनस आएगा, यहां पे माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा, इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये इसमें कैंसिल, ये इसमें कैंसिल, ये इसके अंदर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कार्बन सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस और बन गए मीथेन गैस, ठीक है बेटा, मीथेन गैस बन गई और डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 965.1 में से आपको क्या करना है बेटा, माइनस करना है 894.4, तो जवाब होगा 74.6 किलो जूल। तो बेटा ये आंसर आएगा इसका, मगर मैं बता दूं इतना बड़ा प्रॉब्लम आना इम्पॉसिबल है, इतना बड़ा प्रॉब्लम किसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन में, देखो कितनी डेटा थी, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने मल्टीप्लाई किया, वाटर को हमने मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को ऐड किया, उसके बाद कंबशन के क्वेश्चन माइनस की, तब जाकर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिली है। तो ये बेटा बड़े प्रॉब्लम्स हैं, ये बड़े प्रॉब्लम्स इसके अंदर आएंगे नहीं, मगर तरीका यही है, एक दो और भी सिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, मगर ये होगा कि अब इवनिंग की क्लास जो होगी ना उसी में आपको सिखा दूंगा ये, क्योंकि मॉर्निंग वाली क्लास में ये हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गया, अब कंप्लीट हो गया ये चैप्टर भी आप लोगों का, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रॉब्लम है ये, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के, क्योंकि प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस करना, या इसके जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाल्लाह कल इवनिंग वाली क्लास में ले लूंगा, और जो मॉर्निंग कल क्लास होगी मॉर्निंग में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, वो है
बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसकी जो चीजें रहती होंगी, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहते होंगे, जो चीजें रहती होंगी, वो इवनिंग की क्लास में कल इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। मॉर्निंग की क्लास में हम पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है बेटा, और थर्मोकेमिस्ट्री भी टेस्ट में शामिल है। थर्मोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बेटा टॉपिक नहीं है इतने, बैलेंसिंग इक्वेशंस भी हैं, बैलेंसिंग इक्वेशंस भी हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसके अंदर अहम टॉपिक है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसके अंदर अहम टॉपिक है। तो कोशिश ये होगी कि मतलब ये 2-3 दिन जो है इनमें ये चैप्टर हो जाएगा, छोटा चैप्टर, इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। ये कोशिश तो यही होगी कि बेटा हो जाए चैप्टर, ताकि आपका टेस्ट हो जाए जो सर वालों ने 4 तारीख को रखा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल जो आपकी बेटा मॉर्निंग में क्लास होगी वो यही होगी।